हेलो गाइस, आज मैं हूं राहुल जिंदल और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डालना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसमें हमें पढ़ने हैं पांच साइंटिस्ट के बारे में। तो पहला है हमारा डोब्रिनर, दूसरा है न्यूलैंड, तीसरा है लोथर मेयर, चौथा है मेंडलीव और पांचवा है हेनरी मोसरे। और छठे नंबर पर हम बात करेंगे हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोब्रिंगर की। तो फ्रेंड्स, डोब्रिंगर ने हमें ट्राइड्स दिए थे, हम कहते हैं डोब्रिंगर ट्राइड्स। इसमें उसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, थ्री एलिमेंट्स ग्रुप, जैसे ये देखिए ए बी सी, ये तीन एलिमेंट हैं ए बी और सी। इसमें उसने कहा कि जो बी का मास होगा ना, मास ऑफ बी इज इक्वल टू मीन एटॉमिक मास ऑफ ए एंड सी। इसका मतलब जो बी का मास होगा वो एलिमेंट ए और सी के मास के एवरेज के बराबर होगा। तो उसने एग्जांपल, इसने एग्जांपल देखिए, लिथियम पोटेशियम और सोडियम एक में और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन एक पेड़ में। तो इसको याद करने का सोखा तरीका, लीना की कल बहार आई, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो ताकि ये आपको। लिथियम का होता है 7, पोटेशियम का 39। तो अगर हम इसका ये देखें, इसका अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो मतलब मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 7 + 39/2, जो कि हमारे पास होता है 23। और सही में सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23। इसका मतलब कि जो डोब्रिंगर ने ट्राइड्स दिए थे वो बिल्कुल सही थे, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी थे हमारे पास और इसके मेरिट्स भी थे। चलो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे मेरिट्स ऑफ ट्राइड्स। अब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स की। तो मेरिट्स क्या है इसका, जो इसका पहला मेरिट है कि डोब्रिंगर पहला इंसान था जिसने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी। ही वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट द पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मास, इसने मास के बेस पे क्लासिफिकेशन की थी और सबसे पहला इंसान था जिसने ऐसा काम किया था। और दूसरी बात इसके मेरिट की, जो एलिमेंट्स इसने सेम ग्रुप में रखे थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी। तो इसको हम लिखेंगे एलिमेंट्स विच ही पुट इन सेम ट्रायड वर हैविंग
same properties. दो सिंगल एलिमेंट पुट किए, उनकी प्रॉपर्टीज थी जो वो सेम थी. तो ये तो इसके मेरिट्स. तब हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स की. डीमेरिट्स, तो पहला डीमेरिट है इसका कि जो ये ट्रायड इसमें दिए थे वो सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं थे. जितने एलिमेंट उस टाइम तक नॉन थे वो ये ट्रायड में नहीं आ पाए थे. इसने सिर्फ तीन ट्रायड दिए थे और बाकी एलिमेंट रह गए थे. तो ये था इसका डीमेरिट. हम इसको ऐसे लिखेंगे, नॉट ऑल नॉन एलिमेंट्स वर ग्रुप इन ट्राइब्स. ट्राइब्स में नहीं डाला गया था सबको, तो उन सबकी प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही थी. तो उसका सेकंड था, जिनसे ट्राइड किए थे ना वो अपने ही ग्रुप में एप्लीकेबल नहीं थे. एप्लीकेबल नहीं थे जैसे अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सब एक ग्रुप में आते हैं. इनका ऑर्डर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. पहले हमने बात की थी इनकी कि ये फॉलो करते हैं डोब्रिंदर का ट्राइड. लेकिन अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की, इसमें ये फॉलो नहीं करता, इसलिए ये अपने ही ग्रुप में नॉट एप्लीकेबल हो गया. इसलिए ये यहाँ पर फेल हो गया, इसलिए हमने इसको आगे नहीं चलाया. तो उसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले साइंटिस्ट की जिसका नाम है न्यूलैंड. ठीक है दोस्तों, अब अगले साइंटिस्ट है न्यूलैंड. इसने हमको दिए थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. क्या दिए थे? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब आपको ऑक्टेव सुन के आइडिया तो हो गया होगा, इसे आठ आठ एलिमेंट के ग्रुप बनाए होंगे. तो ही मेड ऑक्टेव्स. ही अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट. और उसने कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स में लगाएंगे तो जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो पहले एलिमेंट की और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स. ठीक है, उसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी वो आठवें एलिमेंट से मैच होंगी. ठीक है, उसने ना ये कैसे दिया, उसने ये दिया हमारे म्यूजिक के स्वर होते हैं ना, जो सारे गामा पा धा नी सा, सा के बाद फिर से सा आता है आठवें नंबर पे, तो उसने ये सोच के दे दिया सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर से सा. ठीक है, तो इसने इसमें एलिमेंट्स पुट किए. और एक बात और, जब न्यूलैंड ने अपने न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स दिए उस टाइम हमारे पास नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी और ना ही हाइड्रोजन की, इसलिए उसने हाइड्रोजन और नोबल गैसेस के बिना ही इसमें एलिमेंट्स पुट कर दिए थे. तो उसने स्टार्ट किया था लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. इसके बाद आती है हमारे पास नियोन, लेकिन वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई. तो हम आगे स्टार्ट करेंगे सोडियम से, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सिलिकन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन भी नोबल गैस है इसलिए अभी तक फाइंड नहीं हुई। तो अब फिर हमारा आएगा पोटेशियम, इसके बाद कैल्शियम। जैसा इसने कहा था कि पहले और आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, तो अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें, इसको अगर हम फर्स्ट चलेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, और सोडियम आता है तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम होगी। अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करें वन, तो यहाँ पर आता है एट, ऐसे ही प्रॉपर्टीज सेम होती जाएंगी जो आठवें नंबर पे एलिमेंट आता जाएगा। तो ये दिया था न्यूलैंड ने, और जब न्यूलैंड ने ये सब दिया तो एक और टर्म की उसने इन्वेंशन की, इन्वेंशन मतलब उसने दी, उसने क्या टर्म दी थी, उसने दी थी पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिसिटी, ठीक है, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की रेपिटेशन होना आफ्टर आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। इसका मतलब है रेपिटेशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, ये होता है पीरियोडिसिटी। और न्यूलैंड ने ये बताया हमको, तो यही तक था हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। तो बात करेंगे अब मेरिट्स के बारे में, मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड। इसका सिर्फ एक ही मेरिट है कि इसमें पीरियोडिसिटी बताई थी हमको। क्या बताई थी हमको, पीरियोडिसिटी। उसका पहला मेरिट आ जाएगा पीरियोडिसिटी, और कुछ लोग हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब न्यूलैंड ने अपने न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स दिए, उस टाइम हमारे पास नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई हुई थी, तो इसका पहला डिमेरिट बन जाएगा कि जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो ये फेल हो गया, क्योंकि जो हमने बीच में गैप्स छोड़े थे उसमें नोबल गैस आ गई और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो गया। इसलिए डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस इसका एक डिमेरिट है, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस इसका एक डिमेरिट है। और जो इसने बनाए थे ना सूर्य के ऊपर, सारे गामा पाधा नीसा, ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स पे ही काम आए, हैवियर पे नहीं आए। तो हैवियर कौन से होते हैं, जो कैल्शियम से आगे वाले एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं हैवियर एलिमेंट्स। कैल्शियम से आगे वाले होते हैं हैवियर एलिमेंट्स। तो जो इसने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, ये सिर्फ लिथियम कैल्शियम तक ही सीमित था, मतलब यही तक ये एप्लीकेबल था, और इसमें भी नोबल गैसेस और हाइड्रोजन नहीं थे, उसमें भी ये नहीं थे, इसलिए इसका एक डिमेरिट बन जाएगा कि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली ऑन लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है। तो यही तक था हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे साइंटिस्ट की, जिसका नाम है लोथर मेयर।
हमारा तीसरा साइंटिस्ट क्या है? लोथर मेयर। लोथर मेयर ने हमको दिया था लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व जिसमें इसने ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का, जिसने इसने ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का, ठीक है। तो इसने ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का, तो ग्राफ कुछ इस तरह था। बड़ा करके बना देता हूं, ये देखो ग्राफ कुछ इस तरह का कर्व है ना, तो इसने ये कर्व बन गया, देखो ये छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ये उसने ग्राफ दिया था। और इसने कहा था कि एलिमेंट्स, ये था एटॉमिक वॉल्यूम, तो यहां आ जाएगा हमारे पास एटॉमिक वेट। और इसने कहा था कि एलिमेंट्स जो इस ग्राफ की सिंगल पोजिशन पे होंगे ना, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजिशंस वर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, वर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। और उसने बताया कि जो और पीक्स थी, पीक मतलब सबसे टॉप वाली जगह, यहां पर आएंगे हमारे ग्रुप वन एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। यहां पर आएंगे हमारे ग्रुप वन मेटल्स जैसे ली ना की रब, ठीक है, ली ना की रब, तो ये हमारे ग्रुप वन एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। सेकेंडरी पोजीशन है, सेकेंडरी पोजीशन मतलब जो लिथियम से नीचे आ रही है, ये हमारी ऑक्यूपाई की थी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ने, ये भी ये भी ये भी और ये भी, ये ऑक्यूपाई की थी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ने। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? जो होते हैं ग्रुप टू के एलिमेंट्स, ग्रुप टू के सभी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये हमारे पास पूरा लोथर मेयर का कर्व, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था समझने, ये लोगों के समझ में नहीं आया और इसे हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो इट वॉज डिस्कार्डेड ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है दोस्तों, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। तो ये है हमारे पास पूरा लोथर मेयर का कर्व। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो अगली वीडियो में हम करेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और हेनरी मोसले। तो अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। गुड बाय।